लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर और सरकार बनाकर भी बीजेपी को इंडी अलायंस वाले हारा हुआ बता रहे हैं, सरकार को अल्पमत की सरकार बता रहे हैं और हर आने वाले चुनाव में बीजेपी की ऐसी ही हालत करने का ये दम भी भर रहे हैं। लेकिन इन सब दावों के बीच एक राज्य में हो रहे चुनाव में बीजेपी ने मतदान से पहले ही 70% सीटों पर जीत हासिल कर ली। अब आप कहेंगे कि मतदान हुआ नहीं तो जीत कैसे हो गई? तो आपको बता दें कि इन उम्मीदवारों के खिलाफ किसी ने ताल ही नहीं ठोकी और ये निर्विरोध जीत गए। अब बड़ा सवाल ये कि 30 से ज्यादा दलों वाला इंडी गठबंधन कहाँ है? इस राज्य में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की इनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? खबर उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा से है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में है। यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ। बीजेपी ने चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकी और मैदान में उतर गई। पंचायत प्रणाली में कुल 6,889 सीटें हैं, जिनमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। लेकिन इन सीटों में से 4,805 सीटों पर किसी दल ने उम्मीदवार ही नहीं उतारा। मतदान 8 अगस्त को होना है, लेकिन चूंकि अब नामांकन की तारीख निकल चुकी है, इसलिए इन सीटों पर उम्मीदवारों को बिना मतदान ही विजयी घोषित कर दिया गया है। मतलब बीजेपी के 4,805 उम्मीदवार बिना लड़े ही जीत गए। त्रिपुरा में राज्य चुनाव आयोग के सचिव असित कुमार दास ने यह जानकारी देते हुए बताया, ग्राम पंचायत में भाजपा को कुल 6,370 सीट में से 4,550 सीट पर निर्विरोध जीत हासिल हुई है। इस वजह से 71% सीट पर मतदान नहीं होगा। जिन 1,819 ग्राम पंचायत सीट पर मतदान होगा, उनमें से भाजपा ने 1,809 पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि माकपा ने 1,212 और कांग्रेस ने 731 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा की सहयोगी टिपरा मोथा ने 138 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। पंचायत समितियों में भाजपा ने कुल 423 सीट में से 235 सीट निर्विरोध जीत ली है, जो कुल सीट का 55% है। अब 188 सीट के लिए मतदान होगा। भाजपा ने 116 जिला परिषद सीट में से 20 पर निर्विरोध जीत हासिल की है, जो कुल सीट का लगभग 17% है। आपको बता दें कि इस चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जुलाई थी, जबकि मतदान 8 अगस्त को होना है और मतों की गिनती 12 अगस्त को होगी। पिछले चुनाव की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में बीजेपी ने 96% सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की थी और इस बार भी बीजेपी ने ऐसा ही करिश्मा करके दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।